दोस्तों, अब हम इन्हें गीत कहें या फिर मधुबाला, इनकी तो हर एक अदा इतनी कातिलाना है कि लोग इनकी तरफ खींचे चले आते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस दृष्टि धामी के बारे में, जिन्होंने ना जाने कितने टीवी सीरियल्स में काम किया और अपने हर किरदारों को इतनी खूबसूरती से पर्दे पर उतारा कि वह सीरियल TRP के मामले में नंबर वन पर रहे। तभी तो सीरियल के मेकर इन्हें अपने शो में लेने के लिए एक्साइटेड रहते थे। पर अभिनेत्री दृष्टि धामी कभी अपने बिजी शेड्यूल को लेकर तो कभी इंटरेस्ट को लेकर सीरियल्स को रिजेक्ट करती जाती, जिसके चलते आगे जाकर इनके ठुकराए हुए सीरियल्स में जिन जिन अभिनेत्रियों ने काम किया वह सभी टीवी की जानी मानी अभिनेत्री बन गए। तो आखिरकार कौन से हैं वह पॉपुलर शो जिसे अभिनेत्री दृष्टि धामी ठुकरा चुकी हैं? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें और साथ ही इस खूबसूरत अदाकारा के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नंबर वन, नागिन 5। दोस्तों, शायद ही आपको इस बात पर यकीन हो रहा होगा कि दृष्टि धामी नागिन 5 सीरियल को रिजेक्ट कर चुकी हैं, लेकिन यकीन करना पड़ेगा क्योंकि यही सच्चाई है कि सीरियल के मेकर एकता कपूर ने जिस अभिनेत्री को नागिन 5 में बानी का किरदार निभाने के लिए सबसे पहले चुना था वो कोई और नहीं बल्कि दृष्टि धामी थी। पर अब तक दृष्टि धामी ने किसी भी सुपर नेचुरल शो में काम नहीं किया, इसलिए उन्हें लगा कि वो इस किरदार को परफेक्शन के साथ नहीं निभा पाएंगे, जिसके चलते उन्होंने सीरियल को ठुकरा दिया और यही वजह रही कि इनके रिजेक्शन के बाद अभिनेत्री सुरभि चंद्रा ने इस शो में काम किया और खूब तारीफें बटोरी। नंबर 2, शक्ति अस्तित्व के एहसास की। कलर्स के पॉपुलर शो शक्ति अस्तित्व के एहसास की में किन्नर सौम्या के किरदार से घर घर में मशहूर हुई अभिनेत्री रुबीना दिलाय को आज जो पॉपुलैरिटी हासिल हुई है वह सिर्फ अभिनेत्री दृष्टि धामी की वजह से। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि दृष्टि धामी ने रुबीना को पॉपुलर कर दिया। तो आपको बता दें कि जिस सीरियल में काम करके रुबीना आज लोगों की तारीफें बटोर रही हैं, वह किरदार इन्हें मिलने से पहले दृष्टि धामी को ऑफर हुआ था, पर यह एक ट्रांसजेंडर किरदार था, इसलिए अभिनेत्री ने इस किरदार को ठुकरा दिया। नंबर 3, इश्कबाज। स्टार प्लस का पॉपुलर शो इश्कबाज तो आप सभी ने जरूर देखा होगा, जिसमें अभिनेत्री सुरभि चंद्रा ने अनिका बनकर लाखों करोड़ों लोगों का दिल जीता था। पर हम आपसे ये कहें कि ये किरदार सुरभि चंद्रा को मिलने से पहले दृष्टि धामी को मिला था, तो शायद ही आप इस बात पर यकीन कर पा रहे होंगे, मगर यकीन करना पड़ेगा क्योंकि यही सच्चाई है कि दृष्टि धामी को शो के प्रोड्यूसर ने अनिका का किरदार ऑफर किया था। पर जब अभिनेत्री को पता चला कि इस सीरियल में अभिनेता नकुल मेहता काम कर रहे हैं, तो उन्होंने नकुल को फ्लॉप एक्टर समझ के सीरियल को ठुकरा दिया। पर उन्हें क्या पता था कि जिस सीरियल को वो ठुकरा रही है वही आगे चलकर हिट साबित होगा। नंबर 4, कुंडली भाग्य। इस लिस्ट की आखिरी कड़ी में ZTV पर टेलीकास्ट हो रहा शो कुंडली भाग्य का नाम भी शामिल है, जिसे अभिनेत्री दृष्टि धामी ठुकरा चुकी है। ऐसा नहीं है कि इस सीरियल को इन्होंने जानबूझकर ठुकराया, बल्कि इसके पीछे तो इनकी मजबूरी थी। दरअसल हुआ कुछ यूं कि जब कुंडली भाग्य सीरियल के मेकर ने इन्हें प्रीता अरोड़ा का किरदार ऑफर किया, तो उससे पहले ही दृष्टि ने सिलसिला बदलते रिश्तों का सीरियल के प्रोजेक्ट को साइन कर दिया था और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वह सीरियल के कॉन्ट्रैक्ट को रिफ्यूज नहीं कर सकती थी, इसलिए मजबूरन इन्हें ये शो ठुकराना पड़ा। और आज इनके ठुकराने के बाद श्रद्धा आर्या सीरियल में काम करके कितनी पॉपुलैरिटी हासिल कर रही हैं, इसके बारे में तो शायद ही आपको बताने की जरूरत है। तो दोस्तों, अगर दृष्टि धामी इन सीरियल्स में से किसी सीरियल में काम करती तो वह कौन से सीरियल में सबसे ज्यादा बेस्ट लगती? आप हमें उस सीरियल का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही टीवी जगत से जुड़ी और भी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।